हेलो गाइस, आज मैं जिससे प्रमोट कर रही हूँ वो है राजपूत फैमिली ब्लॉग्स। ये मेरी बहन पाकिस्तान से है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। वो भी पक्के वाला सपोर्ट करेगी आपको, मगर मेरी बहन 24 घंटे बाद ही रिटर्न करना। प्लीज़ मेरी बहन को सपोर्ट ज़रूर करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुखजीत आपका स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज दिन है संडे और दोपहर का टाइम हो चुका है 11:30। और आज दोपहर तो मेरा कैमरा ना बीच में ही बंद हो गया। दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ दाल चावल, और मैंने खुद ही अपने से चैलेंज किया है कि मैं चुन्नी लेकर आज काम करूँगी, मगर ना मैं चुन्नी लेकर ना बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती हूँ कि काम करे कि हम अपनी चुन्नी को संभाले। तो आज मैं ये देख रही हूँ करके कि मैं चुन्नी लेकर काम कर पाती हूँ कि नहीं। तो गाइस, एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी कि जो मैंने शुरुआत की है कि सबको प्रमोट करने की, मैं सबको करूँगी। प्लीज़ आप मुझे इतना प्रेशर मत दीजिए कि हमें भी करे। ये मेरी स्कीम 1-2 महीने के लिए नहीं है, लगातार चलती रहेगी। मैं सभी भाई बहनों को प्रमोट करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं ये काम बीच में छोड़ दूँगी, नहीं। जो काम हाथ में लेती हूँ मैं उसे पूरा करती हूँ। तो प्लीज़ मुझ पर विश्वास करिए और मुझे इतना प्रेशर मत दीजिए। मैं सबको करूँगी, जो मेरे ओल्ड है, जो नए नए भी आते हैं, मैं सबको प्रमोट करूँगी, क्योंकि ये मेरे दिल की इच्छा है कि मेरे सभी भाई बहन आगे बढ़े और तरक्की करें। क्योंकि मैं भी एक मकसद से ही आई हूँ यूट्यूब। सबका मकसद होता है यूट्यूब पर आना, कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आता है। तो ख़ास करके जितनी भी हाउसवाइफ है, घर की लेडीज है, उनके लिए तो मेरा फुल सपोर्ट है, क्योंकि हम घर पर रहकर भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई पैसे का साधन कर सकते हैं। ये मैं अच्छी भली भांति मैं जानती हूँ, जो मैं ठान कर आई हूँ यूट्यूब पर, सबने कुछ ना कुछ ठाना है। तो मैं सबके साथ हूँ, सबकी हेल्प करूँगी और सबको प्रमोट करूँगी। तो प्लीज़ मुझे प्रेशर मत दीजिएगा, मैं सबको करूँगी प्रमोट। तो देखती हूँ, पहले तो एक एक करती थी, अब मैं 2-2 करूँगी, क्योंकि एक से काम नहीं चलता। और प्लीज़ मेरी लाज जरूर रखना जिसे मैं प्रमोट करती हूँ। आपसे बेनती है, जिसे भी करूँगी तो प्लीज़ 24 घंटे बाद रिटर्न ज़रूर करना है, क्योंकि मेरी लाज आपके हाथ में है। जो मैं कर रही हूँ तो प्लीज़ मेरा साथ भी दीजिए। जो जो भी जिसे भी मैं प्रमोट करती हूँ, जितने भाई बहन उनके बनते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से 24 घंटे बाद रिटर्न करना बनता है। तो चलिए, मैंने दाल बना ली है, मूंगी मसर, हम तो पंजाबी में यही कहते हैं, मूंगी मसर, और दाल बना ली है। उसे मैं बस तड़का लगाना ज़रूरी है, तो टमाटर नहीं डालूंगी, क्योंकि इस दाल में ना मेरे हस्बैंड को बिल्कुल सिंपल तड़का चाहिए, तो मैं टमाटर नहीं डालूंगी। तो पहले मैं अपनी दाल तुड़क लेती हूँ, और जो चैलेंज लिया है अपने आप से वो भी कर लेती हूँ। तो पहले मैं दाल तुड़कती हूँ, फिर मैं बनाऊँगी चावल। और आज मैंने आँखों में काजल भी नहीं डाला, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होती है। तो मैं जहाँ पर कर रही हूँ तड़का लगाने की तैयारी, तो मैं जल्दी से तड़का लगा लूँगी, तो फिर दोपहर का खाने का टाइम हो जाएगा। तो पहले मैं तड़का लगाऊँगी, तो उसके बाद मैं चावल बनाऊँगी, साथ ही मैं चावल को भी भिगो कर रख दूँगी, तो 5 मिनट के लिए। तो अच्छे चावल बनते हैं, ये बासमती का टूटा है तो बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि अभी कुकर बेला कुकर खाली नहीं है, तो जब मैं उसमें दाल निकाल दूँगी तो फिर मैं उसमें चावल बना लूँगी। और आज तो चुन्नी लेकर ही काम करना है, तो मैंने ये मेरी वीडियो कल की है, तो मैंने ना सारा दिन ऐसे ही चुन्नी ली थी, मैंने चुन्नी लेकर ही सारा काम किया था, मगर इतना मुश्किल है चुन्नी लेकर काम करना।
बहुत मुश्किल हो गया था, मगर फिर भी मैंने अपना चैलेंज जो है पूरा किया था। और जहाँ पर मेरे प्याज अभी पक रहे हैं, फिर मैं इसमें मिर्ची डाल दूँगी। तो मैंने मिर्ची तड़के में ही डालती हूँ, पहले नहीं डालती हूँ। तो तड़के में अच्छी प्याज के साथ मिर्ची भून हो जाती है, इसलिए। तो इसमें मैं टमाटर भी नहीं डालूंगी और कोई भी मसाला भी नहीं डालूंगी, सिर्फ मैंने मिर्च, नमक और जीरे का झोंक लगाया है बस। ये जो दाल है मूंगी मसर, ये बहुत ही सिंपल तरीके से ही तुड़का मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं। तो जहाँ मैं प्याज चीर रही हूँ चावल के लिए, चावल में ये प्याज ऐसे ही अच्छा लगता है लंबा लंबा, तो मैं ऐसे ही डालती हूँ। सभी ऐसे ही डालते होंगे। और अभी तड़का तैयार हो चुका है, तो मैं इसमें दाल डाल दूँगी। और ना मैं साथ ही साथ काम भी कर रही थी, और मैंने आधे बर्तन भी धो लिए थे। तो बच्चे घर पर रहते हैं तो बर्तन होते ही रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि एक ग्लास में पानी पी लिया है, दोबारा उसमें नहीं पियेंगे और उठा लेते हैं। तो इसी चक्कर में बहुत बर्तन हो जाते हैं, जितना मर्जी कह लो कि उसी ग्लास में पानी पियो तो नहीं पीते हैं। तो मैं साथ ही साथ मैं कर रही थी बर्तन भी, और मेरा तड़का जो तैयार हो गया, दाल डाल दी है मैंने। तो इधर मैंने कुकर धोकर फिर चावल रख दिए, तुड़का लगा रही हूँ मैं। तो ये देखिए, और मैं प्याज डाल दूँगी। तो अभी तड़का रिफाइंड डाल दूँगी मैं। तो ये सोयाबीन रिफाइंड है, तो ज़्यादातर हम चावल रिफाइंड में ही बनाते हैं, क्योंकि रिफाइंड में ही बनाने चाहिए। घी वाले खाकर तो वैसे भी खांसी हो जाती है, इसलिए। तो अभी मैं जीरा डाल दूँगी, फिर मैं प्याज डाल दूँगी, उसके बाद मैं दूसरा काम करूँगी। तो बहुत दिनों से मेरा सिलाई मशीन का काम रुका हुआ था, क्योंकि मैं भूल जाती थी इसका तेल मंगाना। तो तेल मंगा लिया है मैंने। तो जहाँ पर मैं मशीन को रख कर तेल दे दूँगी अच्छी तरह से, और फिर इसे छोड़ दूँगी। तो फिर मैं इसका शटर लगा दूँगी जब अच्छी तरह से तेल रच जाएगा इनमें, क्योंकि मुझे फिल्लो कवर सीने हैं, इसलिए। तो आज वो कल मुझे याद था, तो याद से ही मैंने फिर ये तेल मंगा लिया मशीन का, और चुन्नी लेकर काम कर रही थी। इतनी मैं पागल हो गई थी, और बालों से भी मुझे गर्मी लग रही थी। तो मैंने खुद से चैलेंज किया है, वो भी पूरा करना है, क्योंकि मेरी आदत है, मैं जो एक बार ठान लेती हूँ वो करके ही रहती हूँ, चाहे कितना भी क्यों ना मुश्किल काम हो। तो पहले मैं शटर को अच्छी तरह से तेल में भिगो दूँगी, तो फिर जो तेल बाकी बच जाएगा वो मशीन के सभी पुर्जों में मैं दे दूँगी। तो मैं ऐसे पुर्जों में तेल लगा दूँगी, तो अच्छे से ये रैले हो जाएंगे। तो बाकी जो है वो मैं मशीन में लगा दूँगी। काफ़ी मशीन मेरी मिट्टी से भर चुकी है, क्योंकि ये बाहर ही पई थी, और जहाँ पर मैं बैठ तो गई हूँ बहुत मुश्किल से, क्योंकि जो हम तो पंजाबी में उसे मदोड़ियाँ ही कहते हैं, तो बहुत आ रही थी। तो मुझे तो बहुत डर लगता है मदोड़ियों से। तो कूलर के बीच उन्होंने खक्खर बनाया हुआ है, तो जहाँ पर बैठना मुश्किल हो रहा था, तो फिर भी मैंने ध्यान रखा और अपना काम करती रही। अच्छे से सभी को मैं तेल दे दूँगी, और फिर तेल देते ही मशीन इतनी फास्ट चलने लगी, क्योंकि तेल की वजह से ही काम रुका हुआ था। तो फिर तेल की ज़रूरत है मशीन को, तो तेल से ही ये चलती है, नहीं तेल देंगे तो इसमें जंग लग जाता है, तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो गाइस, मैंने आज जिस बहन को प्रमोट किया है, तो प्लीज़ उसका साथ देना, वो पाकिस्तान से है। ऐसा मत सोचना कि उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा है, मैं सभी को प्रमोट करूँगी, क्योंकि जो मुझे
सपोर्ट करते हैं, मैं सभी को करूंगी। ऐसा नहीं है कि किसी के ज़्यादा है किसी के कम है, मैं सभी को एक बराबर ही देखती हूं। तो मैं सभी की हेल्प करूंगी, क्योंकि मैं किसी के साथ भी काना बट्टा नहीं करूंगी। जितने भी मेरे भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं सबकी हेल्प करूंगी ताकि वो सब आगे बढ़े। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि उसके तो पहले से ही सब्सक्राइबर बहुत है तो उसे क्यों प्रमोट किया है। तो मैं ज़रूर उन्हें भी प्रमोट करूंगी जिसके ज़्यादा है जिसके कम है। और इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, मैं सबको करूंगी क्योंकि मुझे सबका सपोर्ट मिलता है। तो बहुत सा जितने मेरे इंडिया से भाई बहन है उतने ही पाकिस्तान से भी है, फुल सपोर्ट करते हैं। तो सब जे मेरा भी फ़र्ज बनता है कि मैं सबका साथ दूँ, और इसमें मेरा कोई लालच नहीं है। तो ये देखिए दोपहर का टाइम है और मैंने सभी बेड की चादरें उतार ली थी। और ये देखिए बड़ा बेटा तो ये ऐसे ही करते हैं, सोफे में बाद में बैठते हैं, कपड़े पहले फेंक देते हैं। तो ये देखिए गाइस हमारे दाल चावल तैयार है, आइए आप भी खा लीजिए। और साथ में हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बहुत मन कर रहा था ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। और मेरी बहन का भी साथ ज़रूर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।